फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कल जन्माष्टमी है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वाटर कलर पेंटिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मटकी ड्राइंग और हम उसमें वाटर कलर्स वगैरह करेंगे, वाटर कलर्स बनाएंगे या पोस्टर कलर्स से। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम एक 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो फिर ड्रॉ करते हैं और बीच में से करेंगे आप ड्रॉ। ये हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमें मटकी बनाने के लिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है, पहले तो हम लेंगे एक एक साइड पे 3 सेंटीमीटर, 7, 8, 9 या 9 तक, ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लेंगे 3 सेंटीमीटर्स। ये हमने ले लिए 3 सेंटीमीटर्स। अब हम उसके नीचे चलेंगे थोड़ा सा। फिर ये हमने जो लाइन बनाएंगे इसके थ्री सेंटीमीटर पे मार्क लगा देंगे और हम एक एक साइड पे हम देखिए इतनी लेंगे 3 जैसे हमने ऊपर हम लेंगे 2.5। तो ये हमारी 2.5 हो गई है। फिर हम इसके नीचे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे 4। अब हम लेंगे 3.5। अब हम 3.5 लेंगे, लाइन थोड़ी बड़ी 3.5 यहाँ ले लिया हमने 3.5 लाइन। अब हम यहाँ पर था ना हमारा, तो यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर्स के बाद हमने यहाँ पर करी है। अब हम करेंगे 3 सेंटीमीटर्स के बाद बड़ी लाइन थोड़ी, अब हम करेंगे 4 सेंटीमीटर्स की लाइन। ये हो गई है। अब हम इससे बड़ी लेंगे लाइन, तो हमें एक एक करके बड़ी लेने चलनी है। अब हम लेंगे 5 सेंटीमीटर्स की लाइन, ऐसे इधर लेंगे हम लाइन, एक इधर ले लिए। और अब हम क्या करेंगे, हमें ना धीरे अब हमें छोटी लाइन खींचनी है, ठीक है। हम लास्ट बार हैं तो छोटी लाइन खींचेंगे हम। हमें लेनी है दोबारा से 4 सेंटीमीटर्स की लाइन। अब हमें 2 सेंटीमीटर्स के बाद करनी है 4 सेंटीमीटर्स वाली लाइन, खींच के 4 सेंटीमीटर्स वाली लाइन। और सबसे नीचे आखिर में हम 2.5 सेंटीमीटर्स की लाइन खींचेंगे, हमें उसका नीचे का पार्ट बनाना है। अब ये हमारी ऐसी लाइन हो गई है। अब हमें इसके ऊपर ऐसे प्रेस करते जाना है, ऐसे करके करेंगे ना प्रेस। तो हमें ऐसे ज्वाइन करनी है लाइन। आप चाहे तो थोड़ी बड़ी लाइन ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पर आपको छोटा मटका बनाना सिखाया। तो अब हम इसकी कैसे करेंगे, हम पहले एक ऐसे यहाँ एरो लगाएंगे, एक यहाँ एरो लगाएंगे और अब हम वो स्टार्ट करेंगे बनाने। अभी हमने ऐसे बना ली है, अब हम ऐसे नीचे करेंगे लाइन। तो ऐसे हमने ऐसे नीचे भी बना लिया है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा लाइन्स है, हम इन्हें इरेज करेंगे। अब हम इस मटकी को डिज़ाइन देंगे, आप अपने मनपसंद का डिज़ाइन ले सकते हो। अब ने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। आप सोच होंगे खाली खाली जगह क्यों छोड़ी है, हम यहाँ पर स्पार्कल फिल करेंगे। चलो फिर अब हम वाटर कलर स्टार्ट करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे रेड कलर,
इसके छोटे छोटे डिज़ाइन को फिल करने के लिए। अब हम इसे पेंट करेंगे। पहले हम यहाँ से पेंट करेंगे स्टार्ट। जब हम यहाँ पर रेड कलर कर रहे थे, यहाँ रेड कलर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया। आप चाहे तो आप कौन से कलर का कर सकते हो। अब मैं यूज़ करूँगी येलो कलर। सो फ्रेंड्स, जब हम यूज़ कर रहे हैं येलो कलर, आप इसे येलो कलर मस्टर्ड कलर कह सकते हो। येलो कलर नहीं है, ये मस्टर्ड कलर है। तो मैंने यहाँ पर ये मस्टर्ड कलर कर दिया। अब हम करेंगे येलो कलर। चाहे आप ग्रीन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रीन ही कलर कर दूँ, ग्रीन अच्छा लगेगा। ये ग्रीन कलर करूँगी। तो अब हमने यहाँ पर ग्रीन कलर भी कर दिया, थोड़ा सुंदर लग रहा होगा। अब हम यहाँ करेंगे ऑरेंज कलर। ये जो ये पार्ट सीख रहे हैं, हम ऑरेंज कलर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर करा है, आपको लग रहा हो, क्योंकि दोनों सेम है पर ऑरेंज है, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर नहीं करूँगी, मैं यहाँ ऊपर येलो करूँगी। तो नीचे मैंने यहाँ ऑरेंज करा है, मैं ऊपर येलो करूँगी, क्योंकि वो सेम लगते हैं। चलो फिर करते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया है येलो कलर। अब हम ब्राउन कलर करेंगे, ये चीज़ें भरने के लिए, ऊपर जो भी और या नीचे भी है। तो हमने यहाँ पर ब्राउन और ये यहाँ ऊपर भी ब्राउन कलर कर दिया। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी थोड़े मोती और स्पार्कल्स। स्पार्कल हम जब लगाएंगे, जब ये थोड़ा सूख जाएगा, पहले हम मोती लगाएंगे। चलो फिर लगाते हैं। तो पहले हम ऐसे कलर के लगाएंगे मोती, और हम ये लगाएंगे ऑरेंज के ऊपर, जिस जैसे ब्राइट लगेगा। चलो फिर लगाते हैं। क्यों लगा दिया। अब हम ये जो मोती है, हम इसे एक एक करके हम पेस्ट करते जाएंगे। तो अभी इसमें लगाना है, अभी हम इसे और सुंदर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मोती लगाया, बीच में मैंने गोल्डन लगाया और कोने में व्हाइट लगाया मैंने। तो अब हम करेंगे स्पार्कल से थोड़ी सी डेकोरेशन। चलो फिर करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले तो ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइन करी है, क्योंकि मैं वीडियो आउटलाइन करने, अगर स्पार्कल मिल जाती तो हो नहीं सकती थी आउटलाइन, तो मैंने यहाँ कर दी। अब मेरे पास यहाँ पर टू कलर्स की स्पार्कल हैं। एक तो है मेरे पास सीएम सिल्वर कलर की, और है मेरे पास एक गोल्डन कलर की। तो पहले मैं सिल्वर कलर की यूज़ करती। तो मैंने ग्लू लगा के ये स्पार्कल से डाला है मैंने। अब हम यहाँ भी स्पार्कल डालेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ही लगा दिया। अब मैं इसे डस्टिंग करूँगी। तो ये बन गई है हमारी, अच्छी लग रही है ना। तो ये हमारी मटकी बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। सो बाय फ्रेंड्स, एंड कमेंट में कैसी बनी है।